दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किस तरह से आप अपने राशन कार्ड से आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं, यानी कि किस तरह राशन कार्ड में आप यूनिट बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड बना हुआ है और वो राशन कार्ड में लिंक नहीं है तो किस तरह करेंगे, आइए वीडियो में दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर जाकर यूपी डिस्ट्रिक्ट लॉगिन कर लेना है, जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे हैं। आपको इसके लिए दोस्तों यूपी डिस्ट्रिक्ट की आईडी आपके पास होनी चाहिए। अगर आप जनसेवा केंद्र संचालक हैं तो आप ये काम बहुत बखूबी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको बता रहे हैं किस तरह से आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक होते हैं, किस तरह से यूनिट बढ़ते हैं। दोस्तों देखते रहिए हमारा चैनल इंटरनेट से, मैं हूँ परवेज आलम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नेट से। तो आइए दोस्तों आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको यूपी डिस्ट्रिक्ट पर आना होगा, यहाँ पर आप अपनी जो लॉगिन आईडी है और पासवर्ड डालकर अपना यूपी डिस्ट्रिक्ट लॉगिन करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर कर लेते हैं। करने के बाद दोस्तों साइड में आपको अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड सर्विसेज का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यूपी डिस्ट्रिक्ट के होम पर आते हैं ये आपको मिल जाता है ये वाला ऑप्शन। इसके बाद दोस्तों आप पहुँच जाते हैं राशन कार्ड विभाग की वेबसाइट पर, जहाँ से आप अपने आधार कार्ड राशन कार्ड के साथ लिंक करेंगे। आप आ गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों थोड़ा दिक्कत हो रही है, नेट स्लो चल रहा है इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। मैं यहाँ पर इसको दोबारा से अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड सर्विस पर एक बार फिर क्लिक करते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका अवेलेबल बैलेंस होना चाहिए यहाँ पर, एक जरूर होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं चढ़ा पाएंगे। इसके बाद फूड एंड सप्लाई राशन कार्ड पर इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का एक नया पेज खुल जाएगा, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर NFSA पर आपको क्लिक कर देना है और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर NFSA पर आपको एक बार फिर से क्लिक कर देना है। आप पहुँच जाएंगे दोस्तों राशन कार्ड विभाग की वेबसाइट पर, जहाँ से आप नए राशन कार्ड बना सकते हैं, राशन कार्ड संशोधन कर सकते हैं और राशन कार्ड डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाएंगे हम राशन कार्ड संशोधन वाले ऑप्शन पर, अपना जिला चुनेंगे, यहाँ पर राशन कार्ड का नंबर एंटर करेंगे, जो भी आपका नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद सर्च पर जैसे क्लिक करते हैं जिस राशन कार्ड का नंबर डालेंगे वो राशन कार्ड पूरा खुल जाएगा। यहाँ पर आप तीसरा ऑप्शन चुन लेंगे, ऐड फैमिली डिटेल पर आपको क्लिक करना होगा, क्योंकि आपको राशन कार्ड में यूनिट बढ़ाने हैं। तो जो सा राशन कार्ड का नंबर डालेंगे उसका राशन कार्ड में जितने यूनिट होंगे वो खुल जाएंगे, नया परिवार का सदस्य जोड़ें, इस पर आपको एक बार क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका हिंदी में नाम देना होता है उस परिवार के सदस्य का जिसका नाम जोड़ना चाहते हैं आप, और यहाँ पर इंग्लिश में देना होता है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर जेंडर चुनेंगे। इसके बाद दोस्तों आप गूगल इनपुट टूल का सहारा लेंगे हिंदी में नाम टाइप करने के लिए। अगर आप लैपटॉप का से ये काम कर रहे हैं तो गूगल इनपुट टाइप करेंगे, यहाँ पर नाम लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही आप एंटर मारते हैं हिंदी में नाम लिखा आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे दोस्तों, यहाँ पर पिताजी का नाम हिंदी में डालेंगे। तो जैसे ही आप इंग्लिश में नाम लिखेंगे आपका नहीं हिंदी में ऑटोमेटिक ही आता रहेगा। जब आप गूगल इनपुट टूल डाउनलोड कर लेते हैं अपने लैपटॉप में, ये आप कर लीजिएगा, इसका लिंक मिल जाएगा, हम दे देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जेंडर चुनना होगा, पुरुष है, महिला है या ट्रांसजेंडर है। यहाँ पर आप वार्षिक आय डालनी होगी, बालक है तो कुछ नहीं डालिए आप। अगर जिनका आय प्रमाण पत्र बनाना है उनकी आय डलती है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ है बच्चे की। और दोस्तों यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पर हम आधार कार्ड नंबर डालते हैं उस बच्चे का। यहाँ से रिलेशन चुनेंगे, बेटा है बेटी है, यहाँ पर आधार कार्ड का पूरा नंबर डाल देंगे। इसके बाद सदस्य जोड़ पर जैसे ही क्लिक करते हैं ये नया सदस्य आपके राशन कार्ड में जुड़ जाता है। दोस्तों इसलिए हम वीडियो फास्ट बना रहे हैं ताकि जल्दी हम वीडियो को ख़त्म कर दें। इसके बाद एक बार फिर आपको एक नया सदस्य जोड़ना है, फिर नए सदस्य जोड़े पर क्लिक करेंगे। हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर हिंदी में नाम डालेंगे, गूगल इनपुट टूल में हिंदी टाइप करेंगे, यहाँ पर हिंदी में नाम डालेंगे, इंग्लिश में डालेंगे। जब एंटर आप प्रेस कर दोगे कीबोर्ड का तो आपका नाम हिंदी में हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसके बाद दोस्तों इंग्लिश में आ जाएगा ऑटोमेटिक। आपको डेट ऑफ बर्थ चुननी है बच्चे की, जो भी बालक है। यहाँ पर पिताजी का नाम डालेंगे हिंदी में, जो भी उसके पिताजी का नाम है। आप जैसे डालते जाते हैं आप इंटर प्रेस करेंगे, पिताजी का नाम आ जाएगा हिंदी में। इसके बाद दोस्तों पिताजी का नाम डालने के बाद आपको यहाँ पर जो रिलेशन है बच्चे का, बेटा है बेटी है, जो भी रिलेशन है चुन लेंगे। यहाँ पर जो दोस्तों जेंडर चुनेंगे, महिला है पुरुष है, हम इंग्लिश में कर लेते हैं इसको, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ इंग्लिश में डाली जाती है। यहाँ पर उसकी डेट ऑफ बर्थ चुनेंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ है हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। आपको पूरा वीडियो में हम आपको अच्छे तरीके से दिखा रहे हैं किस तरह से आपको नया यूनिट जोड़ना होता है राशन कार्ड में। अगर आपको अच्छे लगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, इतनी मेहनत हम कर रहे हैं आपके लिए। यहाँ पर दोस्तों राशन कार्ड नंबर डालेंगे, जो भी बच्चे का राशन कार्ड नंबर है। यहाँ पर दोस्तों जेंडर भी चुनना है अभी हमको। यहाँ पर राशन कार्ड का नंबर डालने के बाद आप अच्छे से डाल लीजिए, क्योंकि गलत नहीं हो, नहीं तो नहीं जुड़ पाएगा। जैसे क्लिक करेंगे नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि हमने जेंडर नहीं चुना है। तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, यहाँ पर सदस्य जोड़े पर क्लिक करेंगे, नहीं चुन पाएंगे, नहीं जुड़ेगा जब तक हम जेंडर नहीं चुनेंगे। तो यहाँ पर हम जेंडर चुन लेते हैं एक बार। यहाँ पर हम अपना
आप देख सकते हैं दोस्तों, जेंडर चुनने के बाद ये नया नाम भी आ चुका है। इस तरह से आप सदस्य जोड़ सकते हैं बहुत आसानी से अपने राशन कार्ड में जितने चाहें। इसके बाद सुरक्षित करें पर एक बार क्लिक करेंगे और अपने जो सदस्य जुड़े उनको सुरक्षित कर देंगे। अगले पेज पर ले जाएगा हमको दोस्तों ये, यहाँ पर फैमिली डिटेल सेव करेंगे, अगले पेज पर आ जाएंगे बहुत आसानी से। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर कोई सवाल बनता कमेंट कर सकते हैं। फिर आगे बढ़े पर हमको क्लिक कर देना है और इस पेज को भी सेव कर लेना है, जो कि बैंक की डिटेल का पेज है, इसको भी हमको सेव कर लेना है। हम तीसरे पेज पर पहुंच जाएंगे जहां से डॉक्यूमेंट्स हम अपलोड करते हैं, इसको भी सुरक्षित कर लेना है। सुरक्षित करें पर क्लिक कर देना है और यहां पर हमारी जो डिटेल है वो सुरक्षित हो जाती है। सुरक्षित करें और आगे बढ़े पर हमको क्लिक कर देना है यहाँ पर एक बार फिर। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये वाला जो पेज है ये भी सेव हो जाता है, आप देख सकते हैं अटैचमेंट्स हमारे सेव हुए हैं। इसके बाद दोस्तों आप पहुंच जाएंगे सबसे लास्ट वाले में, जहां को आपको यस या नो में आंसर देने होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, यहां पर संशोधित करें पर आपको क्लिक कर देना और जो सदस्य जोड़े हैं उनको कंफर्म कर देना है। हम यहां पर क्लिक कर देंगे, हमारी जानकारी सफलतापूर्वक सेव हो गई है। अब आपको सदस्य देखने हैं जुड़े हैं या नहीं जुड़े, आप देख सकते हैं यहाँ पर संशोधित ड्राफ्ट प्रिंट कर कर आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो सदस्य जुड़े हैं वो जुड़े नहीं जुड़े। हम सीधे जुड़ गए हैं तो हम यहाँ पर संशोधित संबंधित अधिकारी को क्या करेंगे, अग्रसर कर देंगे अपने कागज़। जो भी दोस्तों राशन कार्ड से जुड़े हुए अधिकारी हैं उन पर यहाँ पर ऊपर अपना जिला चुनेंगे, नीचे राशन कार्ड नंबर डालेंगे और उन अधिकारियों तक यह संशोधन पहुँचा देंगे जो कि ये काम ब्लॉक में और दोस्तों सप्लाई ऑफिस में निपटाते हैं। यहाँ पर राशन कार्ड का नंबर डालेंगे दोस्तों, आपको 30 रुपीज़ यानी कि 30 रुपये का शुल्क इसमें देना होता है और 30 रुपये आपके वॉलेट से कट जाते हैं। यहाँ पर सर्च पर क्लिक करेंगे, देखेंगे यहाँ पर अपने जो संशोधन किया उसको फाइनल लॉक कर देंगे, 30 रुपये का यहाँ पर शुल्क आपसे लिया जाएगा। फाइनल लॉक पर क्लिक करेंगे तो आप एक बार यहाँ पर जाँच ले लीजिएगा, अगर गलत है तो आप संशोधित भी कर सकते हैं दोबारा। अगर लॉक कर दिया आपने फिर संशोधित नहीं हो पाएगा अगर नाम गलत जुड़ा है तो हमने यहाँ पर लॉक कर दिया है, ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा बाहर के पेज पे। एक बार फिर आपको ई डिस्ट्रिक्ट पर आना होगा और अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड सर्विसेज पर एक बार फिर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड पे एक बार फिर क्लिक करेंगे, यहाँ पर 3 अवेलेबल बैलेंस 3 था लेकिन अब 2 बचा क्योंकि 30 रुपये हम कटवा चुके हैं। फूड एंड सप्लाई पर एक बार आपको क्लिक कर देना है, NFSA पर एक बार फिर से क्लिक करना है आपको और एक बार फिर से NFSA पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर फिर आप राशन कार्ड के विभाग की वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे और जो अपने राशन कार्ड में नाम जोड़े हैं उनका जो लास्ट का पेज है यानी कि दोस्तों जो आपने नाम जोड़े हैं उनका जो प्रिंट आउट है वो निकाल लेंगे आप। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर राशन कार्ड का नंबर डालेंगे और इसका जो फाइनल पेज जो नाम जोड़े हैं इसी पेज में वो आ जाएंगे जुड़कर। अब आप इसको 2 तरीके से, या तो आप जाकर इसको ब्लॉक में जमा कर सकते हैं जिन जिनके नाम जोड़े हैं उनके आधार कार्ड और इस प्रिंट आउट को एक साथ अटैच करके प्रिंट कर और इसमें जो दोस्तों इसको स्टैपलर कर आप ब्लॉक में दे आते हैं, या नहीं तो दोस्तों आप अपने गांव के डीलर को दे देते हैं, वह जाकर आपके ब्लॉक में दे आता है सप्लाई ऑफिस में और ये फिर आपके नाम लगभग 4 से 5 दिन में जुड़कर आपके राशन कार्ड में आ जाते हैं, जहां से आप स्लिप प्रिंट कर यह नाम निकाल सकते हो और इनका राशन ले सकते हो बहुत आसानी से। यहाँ पर इस पेज को हम प्रिंट करेंगे और इसको आधार कार्ड के साथ अटैच कर ब्लॉक में या राशन डीलर के पास पहुँचा देंगे, जहाँ से दोस्तों ये सप्लाई ऑफिस में पहुंचेंगे और वहां से नाम जुड़कर आपके राशन कार्ड में चढ़ जाते हैं और आप उन बच्चों का अंगूठा लगाकर या खुद लगाकर आप राशन ले सकते हैं बहुत आसानी से। इसमें दोस्तों 100 या 50 रुपये आपसे जनसेवा केंद्र वाला लेता है। अगर आपको कोई सवाल बनता है आप हमको कमेंट्स कर सकते हैं और वीडियो कैसी लगी आप हमको यह बता सकते हैं कमेंट्स में। अगर आपके थोड़ी सी भी काम आई हो दोस्तों आप हमको इस वीडियो को लाइक कीजिए और जो भी आपकी जानकारी भरे मित्र या दोस्त हैं आप उन तक शेयर कीजिए। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इस तरह से दोस्तों राशन कार्ड में नाम जोड़े जाते हैं, इस वीडियो में हमने आपको बताया और किस तरह से आप प्रिंट निकाल सकते हैं नाम जुड़वाने के बाद जो फाइनल प्रिंट होती है, जो आपको देखने के नाम जुड़े या नहीं जुड़े, राशन कार्ड की जो स्लिप होती है किस तरह निकालेंगे। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वो वीडियो आप देख सकते हैं किस तरह से आप पर्ची निकालते हैं जिससे राशन लेते हैं आप। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, देखते रहिए आप हमारा चैनल इंटरनेट से। धन्यवाद।